रोहतक में गणतंत्र दिवस पर प्रथम रहने वाली होमगार्ड की टुकड़ी को डिस्ट्रिक्ट कमांडर नरेंद्र सिंह ने सम्मानित किया। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट कमांडर नरेंद्र सिंह ने कहा कि होमगार्ड की टुकड़ी ने परेड में बेहतर प्रदर्शन का परिचय दिया, जिसकी बदौलत उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। वहीं उन्होंने सभी होमगार्ड को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित किया, साथ ही कहा कि सभी अपनी ड्यूटी को निर्भीकता के साथ निभाएं। इस दौरान उन्होंने पूरी टीम का हौसला अफजाई की और कहा कि आगे भी इसी तरह परिश्रम करके उपलब्धियां हासिल करें। इस अवसर पर प्लाटून कमांडर सुभाष चंद्र, प्लाटून कमांडर मंजीत दा, प्लाटून कमांडर अशोक दा, संदीप दा लिपिक, हवलदार मनोज दा, हवलदार विनोद कुमार, हवलदार कुलदीप, हवलदार अमित, हवलदार अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। आज का जो हमारी जो 26 जनवरी की जो परेड रही थी, हमारी जो होमगार्ड की जो टीम थी, जो वह इसे पूरे ज़िले में फर्स्ट आई है होमगार्ड की टीम, और आगे भी ये अच्छा काम करते रहेंगे, इनके लिए यही से इसलिए इन्होंने मेरे को भी ट्रॉफी देकर बहुत ही हौसला बनाया है, आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। आपने टीम को क्या संदेश दिया, कैसे आगे काम करें? अच्छा टीम को संदेश दिया ही आगे भी अच्छा काम करेंगे, अपने भविष्य में बढ़िया डिसिप्लिन में रहकर बढ़िया काम करेंगे।